Dear students, in this video, we would learn about all question and answers of first lesson and first poem. And the first lesson is The Fun They Had. And its poem is The Road Not Taken. सारे questions को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है और आपके exam के point of view से उनका एक अच्छा explanation प्रस्तुत किया गया है. Margie and Tommy have. Margie and Tommy के teacher किस तरीके के हुआ करते थे? Margie and Tommy had mechanical teachers. ये बात है 2157 की, 2157 की. तो 2157 में technology का क्या label होगा? It means उनके teachers mechanical teachers ही होंगे, I think. They are computers. वो computers होते हैं which had preloaded lessons on different subjects. जिसमें different subjects के ऊपर पहले से ही lessons को upload कर दिया जाता है to the learners label. लर्नर्स के लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे आप पढ़ते हैं नाइन्थ, तो नाइन्थ के लेवल के अकॉर्डिंग वहां पर चैप्टर्स को, लेसन्स को डाल दिया जाता था. तो दे हैड टू राइट डाउन द वर्क इन अ पंच कोड. मार्जी एंड टॉमी को पंच कोड में आपके अपने होमवर्क को करना पड़ता था. द मैकेनिकल टीचर चेक द पेपर्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर तुरंत ही क्या करता था, चेक कर देता था. दे वर मेड ऑफ टूल्स. और वो जो टीचर्स थे वो टूल्स के बने होते थे, वायर्स के बने होते थे एंड बटन्स के बने होते थे. व्हेनेवर दे मलफंक्शंस, और जब वो कोई गलत मतलब उनमें फंक्शन हो जाता था, बिगड़ जाते थे, दे वर रिपेयर्ड, तो उन्हें रिपेयर भी किया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्जी की माँ ने मार्जी के टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा. What happened with Margie's teacher? यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि मार्जी के टीचर को क्या हुआ. What was Margie? Why was Margie doing badly in geography? जियोग्राफी में वो इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों कर रही थी. What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर ने किस तरीके से उसके लिए क्या मदद की या किस तरीके से उसकी मदद करी. Margie's mother called the county inspector to check Margie's teacher. उसने मार्जी की टीचर को चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. It was giving test after test in geography. और जो मार्जी का टीचर था वो जियोग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था, टेस्ट के बाद टेस्ट. एंड द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अप टू द लेवल ऑफ अ 10-year गर्ल. और हल्की मार्जी 11 years की थी, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर के लेवल को 10-year गर्ल के बराबर लगा दिया. अब वो जियोग्राफी में काफी अच्छा कर पा रही थी, लेकिन अपसेट थी. क्यों अपसेट थी, अब उसके आगे जानते हैं. What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था. History sector had blanked out completely. टॉमी के टीचर का history sector पूरी तरीके से blank हो गया था. His teacher had been taken for repairs for a month. उसका टीचर एक महीने के लिए repair के लिए गया था. So Margie was upset. इसलिए Margie upset थी because she had होप्ड, क्योंकि वो उम्मीद करती थी कि उसके टीचर को भी एक महीने के लिए ले जाएंगे और वो सुकून से रहेगी, क्योंकि दे वर द बोरिंग टीचर्स. ये बड़े बोरिंग टीचर्स होते हैं ऑनलाइन टीचर्स, लेकिन आमने सामने जो पढ़ाई का मजा है वो कहीं नहीं. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, और ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स कैसे होते हैं. इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स देयर वॉज अ मैन अ टीचर. There was a man teacher. वहां पर एक आदमी टीचर हुआ करता था. कब? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स में. इसका मतलब आपके और हमारे टाइम के स्कूल के बारे में है ये. Who taught all things to the students? जो स्टूडेंट्स को सारी चीजें पढ़ाते थे. He gave them homework. उन्हें होमवर्क दिया करते थे. Then asked them questions. तब उनसे सवाल पूछा करते थे. The man teacher was as knowledgeable as mechanical teacher. और जो मैन टीचर था वो इतना नॉलेजेबल था जितना कि मैकेनिकल. आपकी पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन एंड इट्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि. किस तरीके से अपनी कविताओं में आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं. तो चलते हैं द रोड नॉट टेकन. वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ. यात्री अपने आप को कहां पाता है. व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस. जैसा कि आप पहले ही कविता में पढ़ चुके हैं कि कवि कहीं जा रहा होता है, वो एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच जाता है जहां टू रोड्स मतलब एक रोड दो दिशाओं में बढ़ जाता है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन से रोड पर उसे जाना चाहिए. तो आंसर है द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉग. कवि अपने आप को पाता है एक
कांटे पर खड़ा हुआ, कांटे पर खड़ा हुआ का मतलब एक दो राहे पर खड़ा हुआ पाता है, वेयर टू रोड्स डिवर्स्ड इन अ येलो वुड, जहां दो रोड सेपरेटेड हो जाते हैं, डिवर्स्ड हो जाते हैं इन अ येलो वुड, एक पीले जंगल में, ही इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज, वो डिसाइड करने में असमर्थ है, निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि उसे कौन सा रोड चूज करना चाहिए। ये कविता यहां से स्टार्ट होती है। अब आपको डिस्कस करना है व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, इन वाक्यांशों का आपके लिए क्या मतलब है। अ येलो वुड, येलो वुड का क्या मतलब है, द फॉरेस्ट विच हैज वीदरिंग लीव्स, एक जंगल जिसमें वीदरिंग लीव्स हैं, वीदरिंग मुरझाई हुई पत्तियां, एज इन द सीजन ऑफ ऑटम, जैसे कि पतझड़ का सीजन हुआ करता है, इट मीन्स इट्स एन ऑटम सीजन, ये ऑटम पतझड़ का सीजन है, इसीलिए वो जंगल येलो है। इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, ये घास वाला था और ये चलना मांगता था, इसका क्या मतलब है, द पाथ हैड अ लॉट ऑफ ग्रास ऑन इट, इसके ऊपर बहुत ज्यादा घास थी इसलिए पत्तियां थी, इट नीडेड टू वॉक ऑन, इस पे जरूरत थी कि कोई चले ताकि पत्तियां कुचल जाएं। द पासिंग देयर, इसका क्या मतलब है, इट्स मीनिंग इज वॉकिंग देयर, ओके। लीव नो स्टेट हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों पर किसी कदम ने कुचला नहीं था, कुचल कर काला नहीं किया था, नो वन हैड वॉक्ड ओवर द लीव्स एज दे वर स्टिल ग्रीन, उन पर कोई भी पत्तियों पर नहीं चला था क्योंकि पत्तियां अभी भी ग्रीन थी। चलते हैं इस पोएम की थीम को समझते हैं, द रोड नॉट टेकन थीम ऑफ द पोएम, द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन अ फॉग वेयर टू रोड्स डिवर्ज इन अ येलो वुड, ही इज अनेबल टू डिसाइड विच वन टू चूज, ही चूज द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल बाय, वो उस रास्ते को चुनता है जो कम चला हुआ होता है, दिस डिसीजन चेंज्ड हिज लाइफ, और इस डिसीजन ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, इट मीन्स दिस इट इज आवर डिसीजंस, ये हमारे फैसले होते हैं, विच मेक जो बना देते हैं, दैट मेक जो बनाते हैं, और मार आवर लाइफ्स, ये हमारी जिंदगियों को तबाह कर देते हैं, वी शुड टेक डिसीजंस वेरी वाइजली, हमें अपनी जिंदगी के फैसले बहुत समझदारी से लेना चाहिए, जैसे कवि उस रोड को चुनता है जहां पर कम लोग गए हुए थे, विच वॉज लेस ट्रेवल।